तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय द मेथड ऑफ डायमेंशन टेस्ट द एक्यूरेसी ऑफ द इक्वेशन, मतलब डायमेंशनल फॉर्मूले का यूज करके हमें ये जो इक्वेशन गिवन है इसकी एक्यूरेसी चेक करना है। तो हमें फॉर्मूला गिवन है डेल्टा इज इक्वल टू एम जी एल क्यू 4BBQ इनटू गामा, जहां पे डेल्टा जो है ये डिप्रेशन को डिनोट कर रहा है, बी ब्रेथ को डिनोट कर रहा है, डी डेप्थ को डिनोट कर रहा है, गामा जो है यंग्स मॉडुलस को डिनोट कर रहा है, एल जो है लेंथ को डिनोट कर रही है, मास एम से डिनोट किया गया है, और जी जो डिनोट कर रहा है वो है एक्सेलरेशन। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सॉल्व द लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड डेल्टा है, दैट इज डिप्रेशन, और डिप्रेशन को बच्चों हम मेजर करते हैं लेंथ में, ठीक है। नाउ मूव ऑन टू द राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में आपको मिल जाएगा एम जी एल क्यू अपॉन 4BBQ गामा, जहां पे बच्चों एम जो है दैट इज द मास, जी है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का आपको पता है एल टी माइनस टू होता है, लेंथ अगेन एल है, और एल की पावर आपको मिल रही है बच्चों यहां पर क्यू, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं 4, ब्रेथ जो है अगेन लेंथ है, डेप्थ भी आपकी लेंथ में ही कंसीडर होगी, और नेक्स्ट आ जाता है आपका यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता है, दैट इज एम एल माइनस वन, एम एल माइनस वन टी माइनस टू, एम एल माइनस वन टी माइनस टू। ओके नाउ सो सॉल्व कर लेते हैं पूरे इक्वेशन को। तो बच्चों यहां पर सबसे पहले कंसीडर देखो एम कितने हैं, एम यहां पर वन है, यहां पर वन है, ये एम ऊपर चला जाएगा तो एम टू दी पावर जीरो हो जाएगी। अब एल कंसीडर कर लेते हैं, एल इंटू एल क्यू दैट इज एल टू दी पावर फोर, यहाँ पे एल टू दी पावर फोर हो गया, ये एक एल है और एक एल ये है विथ पावर थ्री, तो ये हो जाएगा टू दी पावर फोर, और फोर माइनस वन दैट इज इक्वल टू थ्री, तो यहां पर भी ये कितना हो गया, इट विल बिकम अराउंड फोर ब्लॉक। तो यहाँ पे एल फोर हो गया, यहाँ पे एल टू दी पावर फोर और एल टू दी पावर माइनस वन दैट इज इक्वल टू थ्री, दिस विल बिकम एल टू दी पावर वन। After that, t यहाँ पे पावर माइनस टू में है, यहाँ भी माइनस टू में है, ये ऊपर चला जाएगा, it will become positive. तो आपके पास क्या चीज बची, this in the form of this. तो यहाँ पर भी ये यही फॉर्म में है, and this satisfied that LHS is equal to RHS. तो ये फॉर्मूला जो है ये डायमेंशनली करेक्ट है, नोट डाउन द स्टेप। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है A planet moves around the sun in nearly circular orbit. एक planet है जो sun के चारों तरफ एक circular orbit में rotate कर रहा है. Its time period of revolution t depends upon, और जो उसका revolution का जो time period है वो कुछ चीजों पे depend करता है. तो वो चीजें हैं radius r of the orbit, पहली चीज है radius. Second is mass m of the sun, mass sun के बराबर इतना m होना चाहिए. ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी के भी डिपेंड करता है। तो हमें शो क्या करना है, तो वी हैव टू शो डायमेंशनली दैट टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यू, वी हैव टू शो दैट। और ये जो क्वेश्चन है ये आपका डायमेंशनल एनालिसिस का क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं कि आपके पास एक सिचुएशन दे दी गई है, एक कोई भी कंपोनेंट दे दिया गया, फिजिकल क्वांटिटी दे दी गई है, और आप उसको शो करिए कि वो डिपेंड करती है दो या तीन फिजिकल क्वांटिटीज पर। तो इस तरीके से हम इसका रिलेशन सेटअप करते हैं, और इसी रिलेशन सेटअप करने को हम डायमेंशनल एनालिसिस कहते हैं, और इस पे से क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो यहाँ पे इसको देखिए, क्वेश्चन को आपको बहुत ध्यान से समझना है। पहली चीज यहाँ पर कि आप जो फर्स्ट इक्वेशन है, जो मेन इक्वेशन है, उसको फॉर्म कैसे करेंगे। तो इट्स टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन टी डिपेंड्स अपॉन, क्वेश्चन में जब भी आपके पास क्वेश्चन गिवन होगा तो यहाँ पर एक कंडीशन ऐसी गिवन होगी कि कुछ भी चीज गिवन होगी तो आखिर में लिखा होगा डिपेंड्स अपॉन। तो अगर डिपेंड्स अपॉन लिखा है विच मीन्स दैट कि जो पहली क्वांटिटी है वो लेफ्ट हैंड साइड में वो वाली होगी जो डिपेंड कर रही है। यहाँ पे टी डिपेंड कर रहा है, उसको मैंने लेफ्ट हैंड साइड में रखा है, डिपेंड कर रही है, आफ्टर दैट प्रोपोर्शनैलिटी साइन मैंने पुट अप कर दिया, ठीक है। किस पे डिपेंड कर रही है, तो पहली चीज रेडियस, रेडियस पहला पॉइंट है, पहले मैंने रेडियस लिखा।
आफ्टर दैट इसमें लिखा है मास, तो मैंने मास लिख दिया। फिर इसमें लिखा है ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट जी, तो मैंने जी लिख दिया। ऑन रिमूविंग दिस प्रोपोर्शनैलिटी साइन वी गेट ए कॉन्स्टेंट टर्म के आर एम जी, बाकी के टर्म एज इट इज लिख देंगे। इसके बाद अब मैं इसको एक एक इनिशियल दे देता हूँ, सपोज ए दे दिया, इसको बी दे दिया और इसको सी दे दिया, इनकी मैंने पावर्स लिख दी हैं। यही पावर्स इसको डायमेंशनली करेक्ट करने में हमें हेल्प करेंगी। हमें इसके करना कुछ नहीं, सबसे पहले आपको ये इक्वेशन फॉर्म करनी पड़ती है। इक्वेशन फॉर्म करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन को स्टडी करना है। क्वेश्चन में लिखा होगा कोई भी चीज गिवन है, यहाँ पे टाइम गिवन है, आगे एक्सेलरेशन गिवन होगा या फिर कोई और क्वांटिटी गिवन होगी, तो वहां पे आपके लिखा होगा डिपेंड्स अपॉन, उसको आप जो भी डिपेंड्स अपॉन है उसको लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे। बाकी के जो दो या तीन पॉइंट्स आगे गिवन होंगे, दो या तीन फिजिकल क्वांटिटीज गिवन होंगी, उनको आप राइट साइड में पुट अप करेंगे प्रोपोर्शनैलिटी साइन के राइट साइड में। आफ्टर दैट रिमूविंग द प्रोपोर्शनैलिटी साइन यू गेट अ कांस्टेंट टर्म दैट इज के। आफ्टर दैट आप जो आपके पास फिजिकल क्वांटिटीज गिवन है उनकी आप पावर्स ए बी सी मेंशन कर देंगे। इतना करने के बाद अब हम इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये आपकी पहली इक्वेशन फॉर्म हो गई। अब आपको करना क्या है, आपको इसमें ए बी और सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसमें बस इतना ही करना है। तो चलिए, जैसे भी आपने इससे पहले इक्वेशंस को डायमेंशनली करेक्ट प्रूव किया था ना, वैसे ही इसमें करना है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के साथ कंपेयर करनी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड आपकी टी है, दैट इज टाइम, तो टाइम का टी होते जो कि है आर एच एस। आर एच एस में बात करने वाले हैं हम, पहले टर्म है जो आपका रेडियस। रेडियस आपके पास, रेडियस को हम मेजर करते हैं एल से। अब रेडियस की पावर कितनी है, ए, तो इसकी पावर को भी आप ए मेंशन कर दोगे। नेक्स्ट थिंग आता है मास, मास को हम मेजर करते हैं एम से। मास की पावर कितनी थी, बी, तो ये भी हो जाएगा आपका बी। फिर आता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू m माइनस वन एल क्यू पी माइनस टू, और g की पावर कितनी थी, c, एज इट इज आप मेंशन कर दोगे। यहां तक के स्टेप समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को कंपेयर कर लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास सिर्फ t था, इस t को हम लिख सकते हैं m टू दी पावर जीरो, l टू दी पावर जीरो एंड t। और राइट हैंड साइड में हमारे पास ये वैल्यू है, ये वैल्यू है और ये वाली वैल्यू है। तीनों वैल्यू को एक साथ क्लब कर लेंगे। तो यहाँ पर m की पावर कितनी है, m कितने टर्म्स हैं, दो हैं, ठीक है। दोनों में ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला जो टर्म है दैट इज m की पावर b, तो m की पावर b हो गया। दूसरा है माइनस टू दी माइनस वन इंटू सी, फिर क्या रिटर्न है माइनस सी। एक बार फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से देना, ध्यान दे उस पर। पहला जो टर्म है दैट इज मास, m लिख दिया मैंने, m दो तरह है, m टू दी पावर कितनी है, b, पॉजिटिव के साथ, तो पॉजिटिव के साथ मेंशन किया है। m टू दी पावर माइनस वन है, माइनस वन का c के साथ इंक्लूड होगा, दैट विल बिकम माइनस सी, तो b माइनस सी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट टर्म पर आ जाते हैं, दैट इज l, l टू दी पावर यहाँ पर कितनी है, यहाँ पर यह है a, और यहाँ पर पावर गिवन है 3, तो इट कैन बी रिटन एज a 3। आफ्टर दैट अब स्टार्ट करते हैं आगे का टॉपिक, दैट इज t, तो t के साथ है, सिंगल t है और कहीं t है नहीं, तो इसके साथ हो जाएगा माइनस टू सी, माइनस टू सी सीधे से। अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में m है, यहाँ पर भी m है, m की पावर यहाँ पर 0 है, यहाँ पर पावर b माइनस सी है, तो इट कैन बी रिटन 0 इज इक्वल टू b माइनस सी, जैसे आप मैथमेटिक्स में करते हो कंपेयरिंग। l की पावर यहाँ पे 0 है, तो इट इज 0, l टू दी पावर कितनी है, a प्लस 3। आफ्टर दैट t टू की पावर यहाँ पे 1 है और यहाँ पे कितनी है, माइनस टू सी। तो हमारे पास ये तीन इक्वेशंस फॉर्म हो गई हैं। अब यहाँ से हम वैल्यू डिड्यूस करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। सबसे पहले ये वाली वैल्यू सिंपल लग रही है, तो यहाँ से c की वैल्यू अगर मैं डिड्यूस करता हूँ तो ये वैल्यू हो जाएगी माइनस वन अपॉन टू, तो ये आ गई बच्चों c की वैल्यू। अब इस c की वैल्यू को मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट अप करता हूँ, तो आई एम गोइंग टू गेट द वैल्यू ऑफ b, तो माइनस माइनस वन बाय टू, इट विल बी कॉल्ड एज प्लस वन और माइनस वन बाय टू, ठीक है। आफ्टर दैट अब बात करते हैं, वैल्यू निकालनी है ए प्लस थ्री सी की, तो ऑन पुटिंग द वैल्यू इनटू माइनस वन बाय टू, सी की वैल्यू पुट कर दी है,
तो ये वैल्यू कितनी हो गई, जीरो इज इक्वल टू, इट कैन बी रिटन एज जीरो इज इक्वल टू ए माइनस थ्री बाय टू और ए इज इक्वल टू थ्री बाय टू। ये वैल्यू आ गई है ए बी और सी की। अब ए बी और सी की अगर वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है तो नाउ अब इनकी वैल्यूज को हम इक्वेशंस में पुट कर देते हैं, लेट्स सी व्हाट विल हैपन। ओके, ऑन पुटिंग द वैल्यू टी इज इक्वल टू के, ए टू दी पावर कितनी है, ए की पावर है थ्री अपॉन टू, आफ्टर दैट एम टू दी पावर कितनी है, और ए नहीं है आर है, एम टू दी पावर कितनी है, एम टू दी पावर बी थी, बी की वैल्यू कितनी है माइनस वन बाय टू। उसके बाद आता है जी, जी की पावर आ जाएगी माइनस का वन बाय टू। तो द इक्वेशन कैन बी रिटन एज के आर थ्री बाय टू अपॉन एम वन बाय टू जी वन बाय टू। इसको मैं और ऐसे लिख सकता हूं दैट के अंडर रूट आर टू द पावर थ्री एम इंटू जी। ओके, अब यहां का अंडर रूट लाने के लिए स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी, इट विल बिकम टी स्क्वायर इज इक्वल टू के आर क्यू एम इंटू जी। ठीक है, ये वैल्यू आ गई टी स्क्वायर। अब इधर ध्यान दीजिए, के जो है वो कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी वैल्यू भी कांस्टेंट है। तो इट कैन बी रिटन एज ऑन रिमूविंग दिस प्रोपोर्शनैलिटी साइन, के कांस्टेंट का प्रोपोर्शनैलिटी साइन का लगती है, इट कैन बी रिटन एज आर क्यूब। आर क्यूब क्यों लिखा मैंने, के कांस्टेंट था, मास भी कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू भी कांस्टेंट है। जैसे ही हम के को रिमूव कर देंगे तो ये इक्वल टू का साइन प्रोपोर्शनैलिटी साइन में कन्वर्ट हो जाएगा और इक्वेशन क्या बन जाएगी, टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, और यही हमें फाइंड आउट करना था। चलिए बच्चों एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक और क्वेश्चन ये है, वेलोसिटी वी ऑफ ए वाटर डिपेंड्स अपॉन वेवलेंथ लैम्डा, डेंसिटी ऑफ वाटर रो एंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, डिड्यूस द मेथड ऑफ डायमेंशन द रिलेशनशिप बिटवीन दीज क्वांटिटी। अगेन आपका वही आगे डायमेंशनल एनालिसिस का ये क्वेश्चन है। यहां पर क्वेश्चन आपको गिवन है that velocity v of water depends upon फिर से वही टर्म यूज हुआ है कि velocity depend करती है किस पर, तो velocity depend करती है density पर, wavelength पर, पहले तो आपकी wavelength है, फिर density है, फिर acceleration due to gravity है। okay, on removing the proportionality sign we get a constant term here, after that plot a b and c। okay, now solving the left hand side, which is the velocity, that is lt to the power minus 1, or you can say that m to the power 0. After that solving the right hand side, lambda is the wavelength, isko hum length se measure karte hain, density aapki ho jati hai mass upon volume, that is mass l to the power minus 3, after that acceleration lt minus 2। अब इनकी पावर्स जो थी वो आप मेंशन कर दोगे ए बी एंड सी। अब चलिए इनको क्लब कर लेते हैं राइट हैंड साइड वाले को पूरे को और लेफ्ट हैंड साइड के साथ उसको कंपेयर कर देते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड था एम नॉट एल टी माइनस वन इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में एम कितने हैं, तो एम सिंगल है, उसकी पावर है बी। एल देखिए एल कितने हैं, एल की पावर एक बार ए है, एक बार माइनस थ्री इंटू बी है, और एक बार कितनी है माइनस टू सी है, सॉरी माइनस सी है और प्लस का सी है। ओके, प्लस सी। इसके बाद टी कितने टर्म्स है, तो टी यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां पर है ओनली, उसकी पावर है माइनस टू सी। चलिए कंपेयर कर लेते हैं, बी है और यहां पे जीरो, तो आप इसको लिख सकते हो बी टू दी पावर जीरो। चलिए पहला टर्म तो फटाफट मिल गया। अब एल वाले को देखते हैं, यहां पे पावर वन है, यहां पर है ए माइनस थ्री बी प्लस सी। टी वाले टर्म को देखिए, अब टी वाले टर्म में पावर यहाँ माइनस वन है और यहाँ पे कितनी है माइनस का टू सी, तो यहाँ से ये भी आ गया माइनस एंड माइनस कैंसिल आउट, सी इज इक्वल टू वन अपॉन टू। तो बी की वैल्यू और सी की वैल्यू मिल गई, चलिए ए की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। ए माइनस थ्री इंटू जीरो प्लस सी वन बाय टू,
तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, ए की ये पूरी वैल्यू जीरो हो गई, इट विल बिकम माइनस वन बाय टू, माइनस वन बाय टू, और ये जब इधर की तरफ आ जाएगा तो ये कितनी वैल्यू बना देगा इसकी, जल्दी से करके मुझे बताइए, बताइए मुझे कितनी बन जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी वन बाय टू, ए की वैल्यू भी आ गई वन बाय टू। अब इन ए बी और सी की वैल्यू यहाँ पे प्लॉट कर दीजिए, ऑन प्लॉटिंग द वैल्यूज व्हाट वी विल गेट हियर, लेट्स सी। तो लैम्डा ए की पावर कितनी है, वन बाय टू, यहाँ पर आ जाएगा वैल्यू लैम्डा। नेक्स्ट आ जाएगा रो, रो की पावर है जीरो, जी जी टू दी पावर है वन बाय टू। तो इक्वेशन कैन बी रिटन एज के अंडर रूट लैम्डा इनटू जी, ऑन रिमूविंग दिस के द प्रोपोर्शनैलिटी साइन विल अपीयर एंड इट शोज दैट लैम्डा जी। This is the relation what we have to deduce in this question. Note down the steps. So the next topic is significant figures. Significant figures. होते क्या है significant figures? उसको बताने से पहले मैं आपको इसकी definition note down करा देता हूँ. Significant figures are the digits of a measured quantity, of a measured quantity about which we are confident, plus one additional digit which is uncertain, which is uncertain. तो basically किसी भी physical quantity की जो measured value होती है उसके बारे में हम confident होते हैं, plus उसमें एक ऐसी digit होती है जो कि uncertain होती है, ये एक significant figure form करती है। Significant figure का यहाँ पे मतलब है कि कोई भी ऐसी quantity जिसको हम measure करते हैं उसकी कुछ भी value होगी, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे value given है 1, 2, 3, 4.5, तो 1, 2, 3, 4 इसके बारे में हम कॉन्फिडेंट हैं और ये एक्यूरेट है, वी आर कॉन्फिडेंट अबाउट इट एंड दिस इज द एक्यूरेट वैल्यू एंड लास्ट डिजिट इज अनसर्टेन। तो इसमें आपको एक चीज याद रखनी है कि कोई भी क्वांटिटी होगी आपके पास उसका जो लास्ट डिजिट है दैट विल बी अनसर्टेन, और जो स्टार्टिंग के उसके पहले के जो डिजिट्स होंगे दैट विल बी कॉन्फिडेंट, दैट विल बी द एक्यूरेट डिजिट अबाउट विच वी आर कॉन्फिडेंट। तो ऐसे डिजिट्स को हम कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स बेसिकली कॉम्बिनेशन होता है कॉन्फिडेंस एक्यूरेट डिजिट का प्लस एक अनसर्टेन डिजिट का, दैट इज नोन एज सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब इसके बाद सिग्निफिकेंट फिगर्स के बाद इसके हम रूल्स को समझ लेते हैं, क्या चीजें होती हैं इनके रूल्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स आपको समझ में आ गया होगा, सिग्निफिकेंट फिगर ज्यादा कुछ भी नहीं है, नंबर्स होते हैं और नंबर्स का जो आखिरी डिजिट होता है दैट विल बी अनसर्टेन, वो चेंज हो सकता है अगर हम उसको दोबारा से मेजर करते हैं। अब इसके कुछ रूल्स हैं किस तरीके से हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं। तो जो इसका पहला रूल है दैट रूल इज रूल नंबर वन, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, मतलब जितने भी डिजिट नॉन जीरो होंगे वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट हैं। फॉर एन एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4, 5, तो इसमें कितने डिजिट्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, टोटल 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स को मैंने एस एफ से डिनोट किया है। नेक्स्ट डिजिट इज 7, 5, 6, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो ये हो गया जितने भी नॉन जीरो मतलब जिसमें जीरो नहीं है वो सारे डिजिट्स कैसे हो गए सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब वो किसी और अब सेकंड रूल पे आ जाते हैं। सेकंड रूल हमारा ये है दैट ऑल द जीरोस दैट लाइज बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। तो ये हो गया
जो भी जीरोस हैं, जो नॉन जीरो डिजिट से बीच में लाया कर रहे हैं, वो सारे सिग्निफिकेंट हैं। फॉर एन एग्जाम्पल 11001। सो ये सारे जीरोस कैसे हैं, सिग्निफिकेंट कहलाएंगे, क्योंकि इसके स्टार्टिंग में नॉन जीरो डिजिट है और लास्ट में एक नॉन जीरो डिजिट है। टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, तो 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अनदर एग्जांपल 7 5 6 0 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, अगेन 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो जीरो अगर नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में लाए कर रहा है तो दैट विल आल्सो फॉर्म अ सिग्निफिकेंट फिगर। नेक्स्ट आ जाते हैं थर्ड रूल के ऊपर। तो थर्ड रूल इसका ये है कि जो भी जीरोस हैं जो आफ्टर डेसिमल लाए कर रहे हैं, दैट जीरोस विच लाइज आफ्टर डेसिमल, और यू कैन से दैट एट द एंडिंग ऑफ द डिजिट, एंडिंग में जो लाए कर रहे हैं आर सिग्निफिकेंट, मतलब जितने भी जीरोस हैं जो आफ्टर डेसिमल लाए कर रहे हैं दैट विल बी सिग्निफिकेंट। फॉर एन एग्जांपल 110, तो ये आपने कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, 1 2 3, क्योंकि डेसिमल के बाद जीरो लाए कर रहा है, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर हो गया 3। अगेन नेक्स्ट वन 5 6.0, 1 2 3, डेसिमल के बाद जीरो है, तो अगेन 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स फॉर्म हो गए। तो ये थे आपके 3 रूल्स। नेक्स्ट रूल इज, फोर्थ रूल इज इनिशियल जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट, मतलब जो जीरोस इनिशियली लाए करते हैं किसी भी नंबर के स्टार्टिंग में लाए करते हैं वो सारे कैसे कहलाएंगे, नॉन सिग्निफिकेंट, 0 0 1 1। तो यहाँ पे 2 जीरो हो गया इनिशियली लाए कर रहे हैं, टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए, 2 1 2। अगेन नेक्स्ट एग्जांपल 0 0 0 5 6 7 8, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 1 2 3 4, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये सिग्निफिकेंट है, ये है, ये है, ये है, ये नहीं है, क्योंकि ये इनिशियली जीरो लाए कर रहे हैं, दैट विल बी इनसिग्निफिकेंट और नॉट सिग्निफिकेंट, तो ये सारे नॉट सिग्निफिकेंट होंगे। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज राउंडिंग ऑफ। तो राउंडिंग ऑफ का मतलब होता है राउंड ऑफ कर देना, किसी के आपके पास जो डिजिट्स गिवन है, कोई वैल्यू गिवन है, उस वैल्यू को राउंड ऑफ कर देना। तो राउंड ऑफ करने के जो रूल्स होते हैं वो यहाँ पे मैं इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ। तो जो पहला रूल है राउंडिंग ऑफ के लिए वो ये है। पहला रूल यहाँ पर ये कहता है कि जो आपके पास डिजिट हैं अगर उसके एंड में जो डिजिट है वो लेस देन 5 है, अगर जो लास्ट में डिजिट आ रहा है, सपोज आपके पास एक एग्जांपल देके मैं समझाता हूँ कि वैल्यू आपके पास गिवन है 5.81, तो यहाँ पर लास्ट में जो डिजिट है ये वाला डिजिट इस वाले डिजिट के पहले लग रहा है, तो ये वाला डिजिट 8 है और ये डिजिट 1 है, तो ये वाला डिजिट 5 से कैसा है, ग्रेटर है, बट ये वाला डिजिट कैसा है, 5 से लेस है, छोटा है। तो इन दैट केस व्हाट विल हैपन, इन दैट केस द डिजिट इज रिटन एज इट इज 5.8। अगर ये वाला डिजिट 5 से बड़ा होता तो उस केस में हम इसको लिख देते 5.9। यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि लास्ट में जो डिजिट है तो वो वाला डिजिट 5 से बड़ा है या छोटा है, तो व्हेन लेस देन 5 देन देयर विल बी नो चेंज। तो उसमें हम कोई चेंज नहीं करेंगे, 5.8 एज इट इज आ गया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, अगर लास्ट वाला डिजिट मोर देन 5 है देन डिजिट विल इंक्रीज बाय 1। फॉर एन एग्जाम्पल 5.87,
ये आपके पास डिजिट है तो 5.87, 7 कैसा है, 5 से बड़ा है, वी कैन राइट इट एज 5.9। नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड रूल। अब थर्ड रूल क्या कहता है, अगर कोई नंबर नंबर इज फॉलोड बाय 5, अगर कोई नंबर फॉलोड बाय 5 हो रहा है, फॉलोड नंबर इज 5। नेक्स्ट थर्ड रूल इज इफ द नंबर इज 5 फॉलोड बाय ए नॉन जीरो डिजिट। अगर सपोज कोई नंबर है और वो नंबर 5 है, उसके साथ एक नॉन जीरो डिजिट लगा हुआ है, देन व्हाट वुड हैपन, 5.852, चलिए एक एग्जांपल ले लिया मैंने 5.852, यहां पर 5 है, नंबर इज 5 व्हिच इज फॉलोड बाय नॉन जीरो डिजिट, इसके साथ एक नॉन जीरो डिजिट लगा हुआ है, तब हम क्या करते हैं, तो उस केस में जो डिजिट है वो एक इंक्रीज हो जाता है एंड दिस विल बिकम 5.9 एंड दिस विल बिकम 5.9। यहां पर अगर नंबर 5 है उसके साथ एक नॉन जीरो डिजिट लगा हुआ है, नॉन जीरो डिजिट क्या है, 2 है, 5 के साथ 2 आ रहा है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसा कोई डिजिट लग रहा है, उसमें क्या होगा, एक डिजिट इंक्रीज हो जाएगा, इक्वेशन क्या बन जाएगी, 5.9। नाउ द फोर्थ रूल, इफ द नंबर इज 5, इफ द नंबर इज 5 फॉलोड बाय 0, अगर नंबर 5 है, फॉर एन एग्जांपल 5.85, ये नंबर गिवन है आपके पास और इसी के साथ एक जीरो डिजिट गिवन है, सपोज यहां पर जीरो है, तो व्हाट वुड हैपन, उस केस में क्या होगा, तो उस केस में हम ये देखते हैं कि उसके पहले वाला जो नंबर है वो इवन है या फिर ऑड है, तो 5 से पहले वाला नंबर अगर इवन है उस केस में क्या होगा, उस केस में नो चेंज विल अकर, 5.8 विल बी रिटन एज इट इज, तो अगर इवन है तो नो चेंज, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब इसी के साथ हम इसको कर देते हैं 5.750, अगर ये नंबर ऑड कर दिया तो 5.750, 5 के साथ 0 है तो 5 से पहले वाला जो डिजिट कैसा है, इवन है ऑड है, उसको ऑब्जर्व करेंगे, अगर ऑड है देन व्हाट विल हैपन, अगर ऑड है इट विल बी टर्न एज, उसमें हम एक नंबर ऐड कर देंगे, 1 डिजिट विल इंक्रीज, तो उसमें एक डिजिट इंक्रीज हो जाएगा एंड इक्वेशन बिकम 5.8। तो ये राउंडिंग ऑफ के रूल्स थे, ये आपको समझ में आ गए होंगे, नोट डाउन द रूल्स। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन, एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ एक्यूरेसी के बारे में कि एक्यूरेसी वर्ड का मतलब क्या होता है। एक्यूरेसी वर्ड का मतलब यहाँ पर यह है कि अगर हमारे पास कोई मेजर्ड वैल्यू है किसी भी ऑब्जेक्ट की, जो मेजर्ड वैल्यू है, ट्रू वैल्यू है, उसके कितने क्लोजेस्ट वैल्यू तक हम मेजर कर सकते हैं, दैट इज द मीनिंग ऑफ टर्म एक्यूरेसी इन दिस टॉपिक। इस टॉपिक में एक्यूरेसी का सिंपल सा मतलब है कि अगर हमारे पास कोई ट्रू वैल्यू दी गई है किसी भी ऑब्जेक्ट के मेजरमेंट की, कोई ट्रू वैल्यू दी गई है, तो उसके कितने क्लोजेस्ट वैल्यू तक हम मेजर कर सकते हैं, दैट इज नोन एज द ट्रू वैल्यू। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल से शो करना चाहूँ तो मैं शो करता हूँ कि सपोज एक हमारे पास वैल्यू गिवन है 5.85, सपोज ये किसी ऑब्जेक्ट की ट्रू वैल्यू है, ठीक है, ये किसी ऑब्जेक्ट को हमने मेजर किया है और ये उसकी ट्रू वैल्यू है। अब इसके कितने पास तक हम मेजर कर सकते हैं, दैट इज नोन एज एक्यूरेसी। फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने एक डिवाइस की लेंथ मेजर करी है और ये लेंथ हमारे पास गिवन है 5.85 मीटर, एज यू कैन सी ये मीटर एक ये लेंथ है किसी भी ऑब्जेक्ट की। अब उसके बाद उसी डिवाइस को मैंने किसी दूसरे कैंडिडेट को दे दिया और उसने मेजर करके वैल्यू फाइंड आउट करी, तो वैल्यू उसके पास आ गई 5.84 मीटर। तो ये कैसी हो गई, ये मेजर्ड वैल्यू हो गई जो कैंडिडेट ने मेजर करके निकाली है, ठीक है।
अब इसके बाद जो दूसरा कैंडिडेट है मैंने उसको एक और दूसरी बार दे दिया दूसरे कैंडिडेट को कि इसी चीज को दोबारा से मेजर करो, तो उसने मेजर कर दिया है 5.82, उसने इतना मेजर किया। अच्छा मेजरमेंट इसने यहां पे तीनों वैल्यूज अलग अलग है, लास्ट में यहां पर 5 है, यहां पर 4 है, यहां पे 2 है, ये ट्रू वैल्यू है, उसको हमने एक बहुत ही एक्यूरेट डिवाइस से मेजर किया है जिससे उसकी लेंथ हमें इतनी पता चल रही है। दूसरे कैंडिडेट ने मे बी कोई डिवाइस यूज करी होगी, मे बी उसमें कुछ डिफेक्ट होगा या उससे कोई गलती हो गई होगी मेजर करने में, उसकी वैल्यू इतनी आई, नेक्स्ट कैंडिडेट ने इतनी वैल्यू कैलकुलेट करी। तो सबसे पास इस ट्रू वैल्यू के सबसे क्लोजेस्ट वैल्यू कौन सी है, तो वो ये वाली है। सो दिस वैल्यू इज नोन एज द एक्यूरेट वैल्यू फॉर दिस ट्रू वैल्यू, इस वैल्यू को हम इस वैल्यू का एक्यूरेट वैल्यू कहेंगे और इसे ही हम कहेंगे एक्यूरेसी, दैट एक्यूरेसी इज दिस। Now note down the definition of term accuracy, that accuracy can be defined as it is the measure of closeness of a measured value to ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं वर्ड प्रिसिशन की। प्रिसिशन क्या चीज है? प्रिसिशन का मतलब है कि कितने रेजोल्यूशन तक हम किसी चीज को मेजर कर सकते हैं, कितने रेजोल्यूशन तक हम मेजर कर सकते हैं, जितने ज्यादा रेजोल्यूशन तक हम किसी चीज को मेजर कर सकते हैं वो उसका प्रिसाइज क्वांटिटी कहलाएगी, उसका प्रिसाइज वैल्यू कहलाएगी। सपोज फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे मैं फिर से ले लेता हूँ कि सपोज हमारे पास एक वैल्यू गिवन है, इसी वाली वैल्यू को मैं यहाँ पे फिर से ले लेता हूँ, हमने मेजर किया तो ये वैल्यू आ गई 5.845432, ठीक है, इतनी वैल्यू आ गई कैलकुलेट करने के बाद। अब इस वाले वैल्यू को हमने मेजर किया, ये कितने हमने रेजोल्यूशन तक मेजर किया है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 डिजिट तक हमने इसको मेजर किया है, डेसिमल के 6 डिजिट तक हमने इसको मेजर किया है। दूसरी वैल्यू हो गई हमने मेजर किया 8.45, ठीक है। अब इन दोनों वैल्यू में से प्रिसाइज वैल्यू कौन सी है? प्रिसाइज का मतलब होता है कितनी डेप्थ तक हम मेजर कर पाते हैं किसी चीज को, या मैं कहूं कि किसी को कितने रेजोल्यूशन तक हम मेजर कर पाते हैं, उसकी कितनी लिमिट तक मेजर कर पाते हैं, दैट इज नोन एज द प्रिसिशन। तो सबसे प्रिसाइज क्वांटिटी ये वाली कहलाएगी, क्योंकि इसको हमने कितने रेजोल्यूशन तक मेजर किया है, डेसिमल की 6 डिजिट तक हमने इसको मेजर किया है। दिस इज द प्रिसाइज वैल्यू इन कंपैरिजन टू दिस वैल्यू, इस वैल्यू के कंपैरिजन में ये वाली वैल्यू प्रिसाइज वैल्यू है। तो नोट डाउन द हेडिंग प्रिसिशन, आफ्टर दैट द डेफिनेशन। प्रिसिशन कैन बी डिफाइंड एज अप टू विच लिमिट क्वांटिटी कैन बी मेजर्ड। प्रिसिशन कैन बी डिफाइंड एज अप टू विच लिमिट क्वांटिटी कैन बी मेजर्ड, किसी भी क्वांटिटी को हम किस लिमिट तक मेजर कर सकते हैं, उसको कितने रेजोल्यूशन तक मेजर कर सकते हैं, दैट इज द नोन एज प्रिसिशन। नेक्स्ट टॉपिक इज एरर। नाउ moving to the next topic, that is error. बच्चों error क्या चीज होती है? तो error का मतलब गलती कह सकते हो आप, और error का मतलब आप कह सकते हो किसी भी चीज को measure करने में जो हम mistake करते हैं, that is known as error. अब error को हम calculate कैसे करते हैं? तो किसी भी quantity की जो true value होती है, उसमें से उसकी measured value को हम subtract कर देते हैं। तो the error can be defined as it is the difference between the true value and the measured value. So it can be defined as the difference between the true value minus measured value. So ये हो गया error. अब error आपके जो है बच्चों वो तीन types के होते हैं। सबसे पहला जो error हम discuss करने वाले हैं, इसको हम कहते हैं constant error. इसका नाम ही है constant error. इसका मतलब ये जो एरर है वो
वो ऑब्जर्वेशन में बार बार एक कांस्टेंट नंबर के साथ रिपीट होता है. सो दिस एरर अगर एट कांस्टेंट रेट, दिस एरर अगर एट ए कांस्टेंट रेट, इस एरर को हम एलिमिनेट भी कर सकते हैं. एलिमिनेट कर सकते हैं. एलिमिनेट करने के लिए या तो हमें उसके डिवाइस को चेंज करना पड़ेगा या हमें उसको मेथड को चेंज करना पड़ेगा मेजरमेंट के. हमें उस पर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा. उसमें जो भी चीजें बार बार रिपीट हो रही हैं उसको मे बी चेंज करना पड़ेगा. तो इस एरर को हम एलिमिनेट कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं और आगे अपनी कैलकुलेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं. तो ये सबसे पहला एरर था कॉन्स्टेंट एरर. नेक्स्ट एरर की बात कर लेते हैं तो वो हमारा कहलाता है सिस्टमैटिक एरर. सिस्टमैटिक एरर किस एरर को कहते हैं? तो सिस्टमैटिक एरर वो एरर होता है जो एक ही डायरेक्शन में रिपीट होता है, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, विच रिपीट्स इन वन डायरेक्शन. ये डायरेक्शन पॉजिटिव भी हो सकती है या फिर नेगेटिव भी हो सकती है. ओके. अब सिस्टमैटिक एरर्स में कई सारे पार्ट्स होते हैं. बेसिकली यहाँ पर हमें 4 पार्ट्स स्टडी करने हैं सिस्टमैटिक एरर्स के लिए. जो पहला पार्ट आ जाता है दैट इज नोन एज इंस्ट्रूमेंटल एरर. पर्सनल एरर एक्सटर्नल एरर फर्स्ट इंस्ट्रूमेंटल एरर पर्सनल एरर एक्सटर्नल एरर और या फिर कह सकते हो लैक ऑफ टेक्निक. पहला इंस्ट्रूमेंटल एरर. इस एरर का मतलब है या तो हमारे पास जो अपरेटस है डिवाइस है वो फॉल्टी है जिसकी वजह से हमें रीडिंग एक्यूरेट नहीं मिल रही है. सेकेंड आ जाता है पर्सनल एरर. पर्सनल एरर तब होता है जब हमसे गलती हो जाती है या हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे होते हैं और रीडिंग ऊपर नीचे हो जाती है. नेक्स्ट आता है एक्सटर्नल एरर. एक्सटर्नल एरर तब केस, ये एक्सटर्नल एरर तब होता है जब हम चीजों पे ध्यान नहीं देते हैं. मे बी रूम का टेम्परेचर कैसा है, ज्यादा है कम है, हवा चल रही है या नहीं चल रही है और भी सारी फिजिकल कंडीशंस होती हैं कि जो डिवाइस है उसका टेम्परेचर कैसा है, इन सब चीजों पे डिपेंड करता है एक्सटर्नल एरर. नेक्स्ट आता है फोर्थ आता है लैक ऑफ टेक्निक. टेक्निक का मतलब है जो हम जिस मेथड से कर रहे हैं वो मेथड सही है कि नहीं है, जिस मेथड जिस फॉर्मूले को हम अप्लाई कर रहे हैं वो फॉर्मूला सही है कि नहीं है, जिस समय कर रहे हैं वो टाइम सही है कि नहीं है. ये सारी चीजें टेक्निक्स पे एप्लीकेबल होती हैं. नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट इज रैंडम एरर. रैंडम एरर. अब रैंडम एरर की बात कर रहे हैं. रैंडम एरर किस वजह से होता है? तो ये रैंडमली होता है. इट अकर्स रैंडमली इन मैग्नीट्यूड. इट अकर्स रैंडमली इन द मैग्नीट्यूड. आई होप यू हैव नोटेड डाउन. तो मैं इसके ऊपर भी पार्ट्स में मेंशन करने वाला हूं आगे की चीजें. तो ये रैंडम एरर किस चीज को कहते हैं? तो रैंडम एरर ये रैंडमली अगर होता है या तो ये मैग्नीट्यूड्स में अगर होता है या फिर डायरेक्शन. मैं ऊपर लिख देता हूं, ये सारी चीजें मैं ऊपर लिख रहा हूं. इट अगर रैंडमली इन मैग्नीट्यूड्स और डायरेक्शन. मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में ये रैंडमली अगर होता है. और ये टू टाइप्स के हमें इसमें स्टडी करने पड़ते हैं. जो सबसे पहला वाला आता है दैट इज द लीस्ट काउंट एरर. लीस्ट काउंट एरर फर्स्ट वन एंड द सेकंड वन इज ग्रॉस एरर. ग्रॉस एरर. लीस्ट काउंट एरर का मतलब है कि जहां पर हम जिस डिवाइस से मेजर कर रहे हैं उसका लीस्ट काउंट कितना है. हर डिवाइस का लीस्ट काउंट अलग अलग होता है. ये हम आगे के प्रैक्टिकल्स में करने वाले हैं. जब हम 11th का प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे तो वहां पर आपको मैं लीस्ट काउंट के बारे में इंट्रोड्यूस करूंगा कि लीस्ट काउंट हर डिवाइस का कैसे मेजर करते हैं और उसमें एक डिफेक्ट कैसे आता है जब हम चीज को मेजर करने में लीस्ट काउंट को नेगलेक्ट कर देते हैं. इसके बाद आता है ग्रॉस एरर.
ग्रॉस एरर को हम बेसिकली मिस्टेक्स भी कहते हैं। मिस्टेक्स का मतलब हो गया हमने ध्यान नहीं दिया किसी चीज पर और वो ऑटोमेटिक उसमें डिफेक्ट क्रिएट हो गया, या फिर हमने केयरलेसनेस उसमें दिखाई और इम्प्रॉपर एडजस्टमेंट कर दिया, जो डिवाइस होती है उसमें एडजस्टमेंट हमने जो किया दैट वाज इम्प्रॉपर। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू क्या होती है और इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो अगर सपोज हमारे पास कई सारी मेजर्ड वैल्यू गिवन हो तो हम उससे ट्रू वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ट्रू वैल्यू बेसिकली होती क्या है? तो ट्रू वैल्यू होती है इट इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। हम ट्रू वैल्यू को डिनोट करते हैं ए बार से, ए बार से, या फिर इसको हम लिख सकते हैं ए मीन इज इक्वल टू दिस। ओके, अब हमारे पास सपोज कई सारी ऑब्जर्वेशंस गिवन है। फॉर एन एग्जांपल अगर मैं कहूं ए वन ए टू ए थ्री डैश 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 ए एन तक हमको मेजर्ड वैल्यू गिवन है, ए वन ए टू ए थ्री ये सारी मेजर्ड वैल्यू है, कई सारी मेजर्ड वैल्यू आपको गिवन है और यू आर कैलकुलेटिंग द मीन वैल्यू और ट्रू वैल्यू डिवाइडेड बाय एन। ओके, सो दिस फॉर्मूला ए बार is equal to a mean will become 1 upon n summation कहां से कहां तक, i is equal to 1 से लेके n तक a r। so this is the formula for calculating the true value from the given number of observation। अगर आपके पास कई सारे ऑब्जर्वेशंस गिवन हैं, जो आगे क्वेश्चंस में गिवन होने वाली हैं, गिवन है तो आप उसमें से कैसे ट्रू वैल्यू कैलकुलेट करोगे? तो आप सारी वैल्यूज को मेजर कर लोगे, सारी वैल्यू को टोटल करोगे और उसका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस के साथ उसको डिवाइड कर लोगे एंड यू गेट दिस। ओके, आफ्टर दैट द कम नेक्स्ट टॉपिक इज एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू, नाउ व्हाट इज एब्सोल्यूट वैल्यू एंड हाउ कैन वी कैलकुलेट इट? Basically, it is the difference between true value and individual measured value. Okay, and it is denoted by the symbol delta. अगर कोई वैल्यू है सपोज ए वन वैल्यू वी आर कैलकुलेटिंग द एब्सोल्यूट वैल्यू फॉर द फर्स्ट क्वांटिटी, सो डेल्टा ए वन इज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू दैट इज ए बार माइनस ए वन। सो क्लियर फॉर्मूला क्या है? एब्सोल्यूट वैल्यू डिनोटेड बाय सिंबल डेल्टा ए वन इज इक्वल टू ए बार, ए बार क्या होता है? ट्रू वैल्यू माइनस इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू, जो हमने वैल्यू मेजर करके निकाली है उसको ट्रू वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर देंगे और ये क्या बन जाएगा? एब्सोल्यूट वैल्यू। सिमिलरली अगर सेकंड वाला हो ऑब्जर्वेशन तो इसके लिए क्या हो जाएगा? ए बार माइनस ए टू। इसी तरीके से बाकी सीक्वेंसेस भी आप फॉलो कर लेंगे। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, फाइनल ऑब्सोल्यूट वैल्यू। Now what is final absolute value? So it is the arithmetic mean of absolute error. Final absolute value का मतलब क्या है? Final absolute value का mean है, mean absolute value भी कहते हैं। इसका मतलब है arithmetic mean of absolute error, मतलब जो भी हमारे पास absolute error आए हैं उसका हम mean निकाल लेते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल अगर हमारे पास गिवन है डेल्टा ए वन डेल्टा ए टू डेल्टा ए थ्री डैश 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 डेल्टा ए एन तक गिवन है तो इसका हम मीन निकाल देंगे लाइक दिस। इस तरीके से मीन निकालेंगे और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा ए बार से, ठीक है? सो दिस इक्वेशन विल बिकम डेल्टा ए बार इज इक्वल टू 1 अपॉन n समेशन i इज इक्वल टू 1 से n तक a i।
So this is the formula for final absolute error, and this is the formula for absolute error for the first quantity and for the second quantity. Note down the steps. The next topic is relative error. Relative error, ये क्या चीज होती है? So relative error basically it is the ratio of absolute mean absolute error or final absolute error. Final absolute error to the true value. It is the ratio of final absolute error to the true value. So relative error को हम denote किससे करते हैं? So it is denoted by symbol delta. It is denoted by symbol delta. Okay? And what is the expression for that? Delta A bar upon true value का A bar. Delta A bar किसका error होता है symbol? Final absolute error का या mean absolute error का. और A bar किसका होता है? True value का. अब अगर हमने A क्वांटिटी रखी है तो यहाँ डेल्टा के साथ A हो जाएगा, ठीक है. अगर यहाँ पे आप B रखोगे तो यहाँ पे B कर दोगे, ठीक है. ये चीज समझ में आ गई, ये हो गया. नेक्स्ट टॉपिक इज परसेंटेज एरर. परसेंटेज एरर, नेक्स्ट टॉपिक इज परसेंटेज एरर. तो परसेंटेज एरर क्या है? परसेंटेज एरर ज्यादा कुछ नहीं है, सेम वही होता है, बस इसके साथ आपको परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देना होता है. परसेंटेज एरर में आपको डायरेक्टली डेल्टा ए बार अपॉन ए बार इनटू 100% ये रखना होता है, ये सिंबल आप हटा दोगे तो परसेंटेज एरर इज इक्वल टू दिस. जो वैल्यू इसकी है डेल्टा ए डैश अपॉन ए डैश, डेल्टा ए डैश अपॉन ए डैश, बस इसके बाद आपको 100 से इनटू कर देना है. And this will become the percentage error. Note down the steps.